सनसनी फैला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक मर्डर मिस्ट्री जो न्यू ईयर की नाइट में हुई। आज इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के माध्यम से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री देखेंगे और दोस्तों इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में हम लोगों को कितने सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी पार्टी में हम जा रहे हैं, गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रख के ही आप वहां पे शामिल हो, और कुछ भी आपको वहां पे ऐसा दिखे जो सस्पेक्टेड हो तो आप जरूर उन चीजों को दूसरे लोगों से शेयर करके अपना बचाव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में साथ बनाए रखिएगा। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता है अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। न्यू ईयर पार्टी, शॉकिंग मर्डर केस ऑफ जानवी कुकरेजा। 31 दिसंबर 2021, दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल को वेलकम कर रही थी। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा भी उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसी दिन उसके पापा का बर्थडे होता था और उसके कुछ खास फ्रेंड्स ने उसी रात न्यू ईयर की पार्टी भी प्लान कर रखी थी। मगर अगले दिन सुबह 5 बजे यानी कि न्यू ईयर के पहले दिन 1 जनवरी को जानवी के पापा को एक कॉल आया और अचानक से उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पार्टी में जानवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। 19 साल की जानवी मुंबई के खारे इलाके में रहती थी। 31 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे था, इसलिए इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में जानवी के सबसे पुराने और करीबी दोस्त श्री और दिया भी थे। 7 बजे तक केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद जानवी और उसके दोस्त अपने एक फ्रेंड की न्यू ईयर पार्टी में चले गए। उनका यश नाम का दोस्त उसी एरिया की सोसाइटी भगवती हाइट्स में रहता था और उसी के घर पर वो न्यू ईयर पार्टी भी थी। पार्टी में कुल 15 लोग आने वाले थे और सभी जानवी के बहुत करीबी दोस्त और पड़ोसी थे। यहाँ तक कि दिया तो जानवी की ही बिल्डिंग में रहती थी। प्लान के अकॉर्डिंग पार्टी 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, मगर किसी रीजन से पार्टी के स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे कर दिया गया था। जानवी उसी अकॉर्डिंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच गई और एंजॉय करने लगी। वैसे तो पार्टी खत्म होने का वक्त कुछ 1 बजे के करीब था, मगर पार्टी थोड़ा ज्यादा लंबी चल गई और इस वजह से जानवी अपने घर टाइम से वापस नहीं लौटी। जानवी के पापा ने करीब 1:30 बजे जानवी को कॉल भी किया, मगर उस वक्त उसका फोन बिजी आ रहा था। इसके बाद उन्होंने 2:30 बजे और फिर 3 बजे भी जानवी को कॉल किया, मगर तब जानवी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ थी जिन्हें जानवी के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे। इसलिए फोन ना उठाने पर जानवी के पापा ने ज्यादा टेंशन नहीं ली और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जानवी लेट होने की वजह से वहीं सो गई होगी। मगर सुबह के 5 बजे जानवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के फोन की घंटी बजी। फोन पर एक आदमी ने प्रकाश को बताया कि उनकी बेटी जानवी का एक्सीडेंट हो गया था और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं। इस कॉल के ठीक 1 मिनट बाद ही दिया के पिता समीर का कॉल आया। उन्होंने भी प्रकाश को यही बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचना है। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि समीर ने कहा कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में थी और जानवी एक दूसरे हॉस्पिटल बाबा हॉस्पिटल में थी। अगर बच्चे साथ में ही थे तो आखिर दोनों लड़कियां अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों थीं? और समीर प्रकाश को हॉस्पिटल की जगह पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहा था? यही सब सवाल मन में लिए प्रकाश खार पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसे जो खबर मिली उसे जानकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकाश को बताया गया कि उनकी इकलौती बेटी जानवी की डेथ हो गई है। जानवी की तरह हमारी जिंदगी में भी हम हमेशा क्राइम से घिरे रहते हैं। कहीं गोली चलती है तो कहीं चाकू, कहीं मर्डर होता है तो कहीं चोरी। कोई क्राइम प्यार के लिए करता है तो कोई बदले के लिए, मगर कई क्राइम्स ऐसे होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या आप सच में सेफ हैं।
ऐसी ही दिल दहला देने वाली ट्रू क्राइम स्टोरीज लेकर आया है अमेजॉन मिनी टीवी अपने नए शो क्राइम्स आजकल सीजन 2 में, जहां आपको दिखाई जाएंगी होश उड़ा देने वाले रियल लाइफ क्राइम केसेस के पीछे की पूरी कहानियां। तो इस वीडियो के बाद अमेजॉन मिनी टीवी पर जाओ और देखो क्राइम्स आजकल सीजन 2, वो भी बिल्कुल फ्री, लिंक पिंड कमेंट में। फिलहाल जानवी के केस के पीछे की पूरी कहानी पर आते हैं। वो भगवती हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पर डेड पाई गई थी। ये खबर मिलते ही जानवी के पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल भागे, जहां उन्हें जानवी की लाश मिली। जानवी के पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स को सौंप दी गई। जानवी के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हादसा कैसे हो गया था। और तो और जानवी की माँ को सबसे अजीब बात ये लगी कि पार्टी में सभी जानवी के बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे, तो आखिर उसकी डेथ के बाद किसी ने भी उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे यही समझ आया कि जानवी की मौत में किसी और का हाथ तो जरूर था। पुलिस ने भी इस केस की FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने पार्टी में प्रेजेंट सभी से पूछताछ शुरू कर दी। तब पुलिस को पता चला कि श्री, जानवी और दिया पार्टी में सबसे अलग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद किसी कारण से जानवी वहां से उठकर चली गई। जब वो वापस लौटी तो तब उसने देखा कि श्री अब दिया के साथ फिजिकली मेकआउट कर रहा था। ये देखकर जानवी का दिल बुरी तरह टूट गया और वो बस रोने लगी और श्री और दिया से लड़ाई करने लगी। जानवी के दोस्तों के अकॉर्डिंग श्री जानवी का बॉयफ्रेंड था, मगर जानवी की माँ इस बात से बिल्कुल इनकार करती थी। उन्होंने कहा था कि जानवी अपनी हर बात उनसे शेयर करती है और जानवी का बॉयफ्रेंड श्री नहीं बल्कि कोई और था, जिसके बारे में जानवी अपनी माँ को बहुत जल्द बताने वाली थी। पार्टी में ही एक दो लोगों ने ये भी कहा कि जानवी किसी के आने का वेट कर रही थी, मगर फिर वो श्री के साथ बिजी हो गई। बहस होने के बाद जानवी साइड में जाकर किसी को फोन करके रोने लगी थी। पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात में जानवी ने किसे कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता लगा कि जानवी अपनी दोस्त पर्णिका से बात कर रही थी। उसने पर्णिका को सब बताया और वो बार बार यही कह रही थी कि वो दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को ही खोना नहीं चाहती थी। इतनी सी बात करके जानवी ने फोन काट दिया और वो पार्टी से कहीं गायब हो गई। करीब 2:20 पर कुछ लोग पार्टी से निकलकर वापस अपने घर जा रहे थे, तब उन्होंने जानवी को ग्राउंड फ्लोर पर मरा हुआ पाया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जानवी के साथ मारपीट की गई थी। उसके स्कल, रिब्स और हाथों की हड्डियां टूटी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जानवी के और किसी और के अननोन फिंगरप्रिंट्स, ब्लड और बिलोंगिंग्स मिले थे। पुलिस ने तुरंत सस्पेक्ट मानकर श्री और दिया को अरेस्ट कर लिया। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो श्री के पास से पार्टी वाले दिन की शर्ट बरामद हुई, जिस पर जानवी का खून लगा था। इसे एविडेंस मानकर पुलिस ने कोर्ट में श्री और दिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग श्री, दिया और जानवी में खूब झगड़ा हुआ था, पर फिफ्थ फ्लोर पर आते आते तो उनमें हाथापाई की नौबत आ गई थी। तभी श्री और दिया ने जानवी को मारना शुरू कर दिया था और सेकंड फ्लोर पर लाकर उसे ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया था। दूसरी तरफ श्री और दिया इन सभी एक्विजिशंस को आज तक डिनाई करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जानवी का बॉयफ्रेंड कोई और था और वो पार्टी में उसी वक्त उसी का वेट कर रही थी, मगर जब वो नहीं आया तो जानवी नाराज होकर पार्टी छोड़कर चली गई थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जानवी के खून के ट्रेसेस हर फ्लोर पर पाए गए थे, यानी उसके साथ हर फ्लोर पर मारपीट हुई थी, मगर इस चीज का उस पार्टी में मौजूद 15 लोगों में से ना कोई आई विटनेस था और ना ही किसी ने कोई आवाज सुनी थी। यहां तक कि CCTV में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या सच में श्री और दिया ने जानवी को मारा है, या फिर ये काम उस मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और क्यों पार्टी में मौजूद उन 15 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है, इस केस की क्या सच्चाई है? अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे द क्राइम शो बाय खूनी मंडे पर आप देखते हैं रियल लाइफ क्राइम केसेस,
वैसे ही थ्रिल और सस्पेंस से भरी और भी ढेर सारी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अमेज़न मिनी टीवी पर जाओ और देखो क्राइम्स आजकल सीजन 2, वो भी बिल्कुल फ्री। शो का लिंक पिन कमेंट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी। 3D एनिमेशन के माध्यम से वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। जो ये वीडियो एनिमेशन के थ्रू मर्डर मिस्ट्री बताई गई है दोस्तों, तो इसका कंक्लूजन ये है कि आप भी सावधानी बरतिए, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं या किसी के साथ भी आप इंगेज हैं तो भी आप बहुत ज्यादा सावधान रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना, अपनों का, अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।